हाय गाइस, वेलकम टू यूरो यात्रा। यार आज कहाँ जा रहे थे, थोड़ा सा शोर हो रहा है गाड़ियों का, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसे सुपरमार्केट लेके जा रहा हूँ जो सिर्फ ये नहीं है कि वो बाहर है, मतलब इंडिया से बाहर है, वो ऐसा सुपरमार्केट है जिसमें बहुत सारी एक थीम दी हुई है, पार्टी थीम दे रखी है। और वीडियो में और क्या क्या होगा, बच्चों के काम की भी वीडियो है, चॉकलेट्स मिलेंगी, प्राइस भी पता चल जाएगा। इंडिया में तो कैडबरी खा रहे हो, यहाँ कौन सी मिल रही है चॉकलेट पता चल जाएगी। और जिनको खाना बनाने का बहुत शौक है वो देखेंगे प्याज टमाटर का क्या रेट चल रहा है, कंपेयर कर लेना यार। और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग का प्राइस भी देखना, कंपेयर करना चाहोगे तो आ जाओ यार, वीडियो में बने रहो। तो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। ये कलरफुल सी वॉल है, लेफ्ट में लेफ्ट से शुरू होता है एप्पल, बेरीज, पेपरिका, फिर से बेरीज और कुछ अवोकाडोस। 59 सेंट प्राइस है, सबसे सस्ता प्राइस देखा अब तक मैंने, नॉर्मली 1 यूरो 10 सेंट 20 सेंट्स पता नहीं क्या अब तक। और ये आलू के वो थैला 2.5 किलो का समथिंग पैक है एंड इनके प्राइजेस मल्टीप्लाई बाय 88, लाइक यूरो का प्राइस 88 समथिंग चल रहा है। और फिलहाल उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आलू या एप्पल्स के क्या रेट थे। ये कुछ सीजनल फ्रूट्स काफ़ी महंगे हैं इस टाइम, ये स्ट्रॉबेरीज देख सकते हैं 8 यूरो की है, मतलब समवेयर अराउंड 720 रुपीज़ का 500 ग्राम का पैक है। सीरियसली मुझे तो बहुत महंगा लग रहा है। और ये रेडी टू ईट फूड्स हैं, पास्ता वगैरह पहले से बना हुआ, बस माइक्रोवेव में डालो और खाओ। एंड यहाँ ये थोड़ी बहुत कॉफीज आइटम्स ड्रिंकेबल, और ये जूसेस 1.59 का है या 1.79 है, तो वही समवेयर अराउंड 150 रुपये का एक जूस का पैक है 1 लीटर। ये कॉफीज़ हैं रेडी टू गो, नट्स, पीनट्स भी यहाँ बहुत महंगे हैं, सबसे सस्ता 1.59, मतलब 150 रुपये के आसपास का आधा किलो का पैक है, वो भी तुम्हें छिलके खानी होगी, उसके अलावा छिली हुई तो और महंगी है। तो और ये वेजिटेबल सेक्शन, और उसके ऊपर आप देख रहे हैं ये लाइट्स कैसे लगी हुई इन्होंने, मतलब ये जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ है, वेजिटेबल्स जहाँ फ्रूट्स होते हैं तो वहाँ पर उन्होंने जर्मन अपनी लैंग्वेज में फ्रूट्स लिखे हुए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ लिखा हुआ है। एंड ये साथ में एक मशीन है ये, और जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कितने ग्राम का आपने सामान ले लिया है, कितने ग्राम के आपने टमाटोज ले लिए हैं, क्योंकि ये टोमेटोज पर पीस के हिसाब से नहीं है, और यहाँ जैसे खीरे हैं ये पर पीस के हिसाब से हैं। और ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के टोमेटोज हैं, चेरी टोमेटो, रोज़ा टोमेटो, पता नहीं क्या क्या टोमेटो, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं तो सिंपल वाले उठाता हूँ वही खाता हूँ, इतने सारे नहीं समझ आते सिवाय वो चेरी टोमेटोज के। ये ब्रोकली खाते हो तो कोई तो ये प्राइस देख ही लिया होगा। एप्पल्स हैं वही डिफरेंट टाइप्स के, जैसे इंडिया में कैसे बोलते हैं, ये कश्मीर का है, ये हिमाचल का है, ये पता नहीं और कहाँ कहाँ का है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी अलग अलग देशों से या अलग अलग शहरों से आए होते हैं फ्रूट्स। बाकी जर्मनी में फ्रूट्स कम आते हैं स्ट्रॉबेरीज के अलावा, और ये अदरक सॉरी लहसुन 1.29 के 4 पीस, मतलब समवेयर अराउंड 110 रुपये के 4 पीस है, ठीक है 200 ग्राम, मतलब 500-600 रुपये किलो, ज़्यादा महंगा नहीं है। एंड ये बच्चों के काम की चीज़ें आ रही हैं तो थोड़ी धीरे, लेकिन ये बड़ों वाली चॉकलेट्स थी, अल्कोहल मिक्स था, ये है बच्चों वाली, ये बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। सीरियसली कन्फ्यूज़ करता मुझे, अगर कोई यहाँ पे बच्चा आ गया वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, या माँ बाप को कन्फ्यूज़ कर देगा कि कौन कौन से पैक उठाऊँ, बहुत सारी आइटम्स हैं। और यहाँ पे कैडबरीज की चॉकलेट्स कम है, जैसे हमारे इंडिया में कैडबरीज हैं, यहाँ मिल्का के नाम से बहुत बिकती हैं, बाकी वो अमेरिकन स्नीकर्स वगैरह वो सब तो है ही हैं। ये देख सकते हैं बच्चों के चॉकलेट्स का तो बुरा हाल है, यहाँ भर रखा है सब। और चलते हैं, ये कोरोना यार, ये कोरोना के टाइम चल रहा, तो सोचा ये बियर भी दिखाऊँ। 10 का पैक है 10 यूरोस, मतलब समवेयर अराउंड 900 रुपये में एक पूरी पेटी है जिसमें 10 बॉटल्स है, तो सही है। और ये भी बियर के कैंस थोड़े बहुत पड़े रहते हैं ऐसे ही भर भर के, और बहुत सही प्राइजेस हैं इनके। और ये एनर्जी ड्रिंक्स, जैसे इंडिया में रेड बुल या और भी ड्रिंक्स हैं, वैसे यहाँ पे भी बहुत तरह की, जैसे कोका कोला वालों की एनर्जी ड्रिंक्स एंड ऑल, काफ़ी भर रखी हैं ड्रिंक्स। और ये ब्रेकफास्ट आइटम्स, कॉर्नफ्लेक्स एंड अदर थिंग्स, यहाँ पे कुछ नट्स या जैम्स हैं राइट में, और ये बहुत सारा काफ़ी एंटीक इन्होंने कर रखा है, अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है एलईडीज के साथ। ये फ्रेश ब्रेड बेक करते हैं हमेशा, जर्मनी में बेकिंग
बहुत फेमस है, और ये उन बेकरी आइटम्स में से कुछ बेकरी आइटम्स है। और ये बस बैग उठाओ, वो खोलो और उस चिमटी से निकाल के अपने घर ले जाओ, मतलब ऑफ कोर्स पेमेंट करके। और ये किसी टाइम में कोरोना जब शुरू हुआ था तो ये टॉयलेट पेपर आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, इतने जल्दी इतने ज़्यादा बिक चुके थे। कुछ और आइटम्स जैसे बच्चों की नैपीज़, हगीज़ या उनकी बेबी फूड, टूथपेस्ट, ये आपको हल्का हल्का इनसे प्राइस भी दिख रहा होगा कि इनका एवरेज प्राइजेस क्या है यहाँ पे। और ये कुछ कॉफ़ी की आइटम्स, कॉफ़ी के प्राइजेस, नेस्कैफे का प्राइस क्या है। इंडिया में बहुत सही मिलता है, यहाँ बहुत महंगी लगती है मुझे टू बी ऑनेस्ट कॉफीज। और हाँ, हर जगह दीवार कोई खाली नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, और वो भी प्रोफेशनल, ग्राफिटी नहीं है। और ये मीट सेक्शन मोस्टली, जिसमें आपको रेडी मेड या रेडी टू ईट या फिर थोड़ा और घर जाके कुक करना, सलामी वगैरह पता नहीं क्या क्या। और ये जो परसेंटेज का साइन बना हुआ यहाँ पे, मतलब ये डिस्काउंटेड पीसीज रखे हुए हैं, आलस केस है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ ही चीज़, फ्रेश चीज़ या कोई और टाइप के चीज़। हमारे तो इंडिया में पनीर है, बात ख़त्म हो जाती है, यहाँ चीज़ ही चीज़। ये मिल्क बार, बड़ा फ़नी नेम लगा मुझे ये, पहले कभी मिल्क बार नहीं सुना था। और ये मिल्क के प्राइजेस 1.29 या 99 या 70 सेंट्स, डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट मिल्क के प्राइजेस हैं। और रफली कहूँगा 60 रुपीज़ का एक लीटर दूध से शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद आप 250-300 लीटर तक का भी दूध खरीद सकते हैं। और ये यहाँ के बिस्किट्स मोस्टली मीठे हैं, इंडिया में जैसे सॉल्टेड मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं, कोई एक आधा पीस मिलता है पैक, सॉरी। और ये किचन स्टफ आइटम्स थोड़ी बहुत, हाँ ये थोड़ा बहुत आगे आ गया नमकीन स्टफ, पॉपकॉर्न्स, एक बिस्किट का पैकेट था जो नमकीन था। ये डीप फ्रीज वाला सेक्शन जहाँ पे फ्रोज़न वेजिटेबल्स, फ्रोज़न केक्स ऑलरेडी बने हुए हैं, और आइसक्रीम्स या और भी फ्रोज़न आइटम्स हैं, जैसे कि चिकन नगेट्स या फिर कोई फिश के पकोड़े समथिंग, मतलब जो भी हैं यहाँ पे ये आप देख ही सकते हैं। और हाँ, कुत्ते बिल्लियों के लिए भी चीज़ें हैं, यहाँ पे सुपरमार्केट में मिलती हैं। ये आइटम्स देख के मुझे इंडिया के कुत्ते बिल्लियों पे बहुत थोड़ा सा फील होता है कि वहाँ पे मोस्टली हम अगर शाही पनीर खा रहे हैं तो वो भी शाही पनीर ही खा रहे हैं, सही है। और ये बाकी किचन आइटम्स, इन ये ऑयल्स वगैरह, कुकिंग ऑयल, और ये मसालों के प्राइसेस हैं। यहाँ जर्मन लोग ये मसाले यूज़ करते हैं, और ये बिल्कुल ही माइल्ड हैं, कोई खास स्पाइसी नहीं होते। और ये अल्कोहल, इनके प्राइसेस आपको साफ़ नहीं दिख रहे होंगे, बट रफली बता देता हूँ कि ये जो बॉटल्स ऐसे पड़ी है ना, इनका प्राइस 10 यूरो है, मतलब 800 से 900 यूरो, 800 से 900 रुपयों के बीच में है, कोई डबल भी हो सकती है, लेकिन एवरेज प्राइस यही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन बिल्कुल ही अलग है, इंडियन विस्कीज़ की ब्रांड या वो सब नहीं है यहाँ पे, बहुत है जिन वोदका पता नहीं क्या क्या। ये है थोड़ा बहुत विस्कीज़ का सेक्शन, जिसमें जैक डैनियल्स का प्राइस 19 यूरो है, लगभग 1600 रुपये की बोतल है। और ये बियर के कैंस हैं, भर रखे हैं, और इन कैंस को जब खाली होते हैं तो क्या करते हैं, ये रीयूज़ करते हैं वापस, ऐसी मशीन में डालते हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो इसमें ये बॉटल्स या कैंस में हमें 25 सेंट मिलते हैं, और बॉटल्स में 8 सेंट। तो ये सब कुछ आप एक ही बार में इकट्ठा डाल सकते हैं, और वो बस बटन प्रेस करिए, आपकी वो पर्चियाँ तैयार हैं। और आप देख सकते हैं इसमें क्या है, समथिंग 25 सेंट का अलग पर्ची है, और एक 2 पॉइंट समथिंग सेंट की अलग पर्ची थी। बस ये बिलिंग मैन में आप डिडक्ट करवा लीजिए, सिंपल। और ये सिर्फ बियर कैंस में नहीं है, नॉर्मल कोका कोला या जो भी आप कुछ ड्रिंकेबल आइटम्स ले रहे हैं तो उसमें सब कुछ है। और ये और भी थोड़े बहुत विस्कीज़, और उनके प्राइजेज अब थोड़े और क्लियर दिख रहे होंगे होपफुली। बस ये छोटा मोटा सा राउंड था, थोड़ा सा अल्कोहल का दिखाने का। एंड वो कैश काउंटर सेक्शन है, वहाँ पे जाना है, देना है पैसे। और ये अब बाहर निकल गए, बस ये सब रूल्स लिखे हुए हैं, मास्क लगाना है, इतने मीटर का डिस्टेंस एंड ऑल ब्लैक। और यहाँ पे बाहर ही कॉफ़ी मशीन लगी हुई है, पीना हो तो कभी 1 यूरो का सिक्का डालो और पियो कॉफ़ी। बाकी यहाँ शॉपिंग, ये जो कार्ड था वो उसे लगा दिया,
फंकी से डस्टबिन बने हुए हैं, सब कुछ पार्टी से रिलेटेड थीम है, और ये वो जो मशीन जहाँ पे हम ड्रिंक्स के वो खाली डाल सकते हैं। तो यार इससे तो बाहर निकल गए, बहुत सही था। आई होप आपको ये बाकी नॉर्मल सुपर मार्केट जैसा नहीं लगा होगा जो बाहर के देशों में है, ये थोड़ा सा अलग लगा होगा। एंड अगर अलग लगा है तो यार लाइक कर दो, और कुछ मन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, या कोई सजेशन है कुछ भी है प्लीज़ पूछिए। और उसके अलावा सब्सक्राइब शेयर कर देना, और क्या है ना। तब तक के लिए बाय बाय।